गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीपक, मैं आपके अपने चैनल दीपक चहल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सिक्स क्लास का सिविक्स का फिफ्थ चैप्टर लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम पंचायती राज के सारे सिनेरियो को समझेंगे कि किस तरह से ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत होती है। तो हम यहाँ पर एक फोटो देख रहे हैं जिसके अंदर हमें आगे कुछ लोग बैठे हुए देख रहे हैं, वो क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मीन्स वो पंच और सरपंच होते हैं। पंच मीन्स मेंबर्स एंड सरपंच मीन्स हेड ऑफ द ग्राम पंचायत, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, इट इज़ अ स्पेशल डे टुडे, कि ये एक स्पेशल डे था। एवरीवन इज रेसिंग टू गेट द ग्राम सभा, हर कोई ग्राम सभा में जाने की जल्दी थी हर किसी को। डू यू नो व्हाई, क्या आप जानते हो क्यों? बिकॉज द ग्राम सभा इज होल्डिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ न्यू ग्राम पंचायत, क्योंकि ग्राम सभा में पहली मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी ग्राम पंचायत के चुनाव के बाद। द पीपल ऑफ हरिदास विलेज आर कीन टू फाइंड आउट व्हाट देयर न्यू पंचायत लीडर्स हैव प्लान्ड फॉर द विलेज। जो हरिदास गांव के पीपल थे वो जानना चाहते थे, जानने के लिए उत्सुक थे कि जो नई पंचायत लीडर है वो कौन से प्लान बना रहा है हमारे विलेज के लिए। अब हम देखते हैं ग्राम सभा। द ग्राम सभा मीटिंग बिगिन विद द पंचायत प्रेसिडेंट, जो ग्राम सभा की मीटिंग होती है वो ग्राम जो पंचायत प्रेसिडेंट होता है मीन्स जो सरपंच होता है उसके वो स्टार्ट करता है, एंड द मेंबर्स ऑफ द पंचायत, और जो मेंबर्स होते हैं पंचायत के जिन्हें हम पंच बोलते हैं वो इसके अंदर वो इसको ज्वाइन करते हैं। प्रेजेंटिंग अ प्लान ऑफ द रिपेयरिंग द रोड दैट कनेक्ट द विलेज टू द मेन हाईवे, वो पहले क्या करते हैं, एक प्लान के ऊपर बातें करते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि किस तरह से रिपेयर किया जाएगा रोड को जो हाईवे से उस विलेज को कनेक्ट कर रहा था। आफ्टर दिस द डिस्कशन मूव टू द सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड वाटर शॉर्टेज, इसके बाद जो डिस्कशन है वाटर और वाटर शॉर्टेज के ऊपर चला जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि सरपंच क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होता है। आगे हम देखते हैं विलेजर कॉल्ड तिंजिया, एक विलेजर जिसका नाम तिंजिया था, बिगिन द मीटिंग बाय सेइंग, उसने मीटिंग की स्टार्ट की ये कहते हुए कि द वाटर प्रॉब्लम ऑफ हरिदास हैज बिकम वेरी एक्यूट, जो वाटर प्रॉब्लम है हरदास गांव की वो बहुत एक्यूट हो गई है, वो बहुत सीरियस हो गई है। द हैंड पंप वाटर हैज गोन वेल बिलो द पॉइंट एट विच द ग्राउंड हैज बीन ड्रिल्ड, और जो पानी वाटर लेवल है वो इतने नीचे तक जा चुका है जहाँ से पानी निकालना संभव नहीं है, जहाँ तक ड्रिल नहीं किया जा सकता। वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप्स, हमें कभी कभी ही टैप्स के अंदर पानी मिलता है। वुमेन्स हैव टू गो टू द सुरु रिवर, और वुमेन्स को सुरु रिवर पर जाना पड़ता है, विच इज 3 किलोमीटर अवे टू गेट वाटर, जो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है पानी लाने के लिए। वन ऑफ द मेंबर्स सुजेस्टेड पाइपिंग वाटर फ्रॉम द सुरु एंड मेकिंग द आवर हेड टैंक इन द विलेज टू इनकरेज द सप्लाई, उनमें से एक मेंबर जो है वो सजेस्ट करता है कि हम सुरु रिवर से क्या ले आते हैं, पाइप ले आते हैं और एक आवर हेड टैंक बना देते हैं जिससे सारे के सारे विलेज के अंदर सप्लाई को इंक्रीज किया जा सके। बट द अदर थिंक दैट इट विल बी एक्सपेंसिव, लेकिन दूसरे समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इट इज़ बेटर दैट दे फील टू डीपन द हैंड पंप एंड क्लीन द वेल फॉर दिस सीजन, वो समझते हैं कि इस सीजन के लिए जो हैंडपम्प है उनको डीपन किया जाए और जो वाल्स हैं उनको क्लीन किया जाए। तिंजिया बोलती है इट इज़ नॉट एनफ, कि ये एनफ नहीं होगा, वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट एज ग्राउंड वाटर लेवल सीम टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर, क्योंकि हर साल जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल गिरता जा रहा है, इसलिए हमें क्या करना होगा, कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालना होगा। वी आर यूजिंग मोर वाटर देन सीपिंग इन टू द ग्राउंड, हम बहुत ज़्यादा पानी को यूज कर रहे हैं और उसके अंदर सिप बहुत कम हो रहा है। सिप का मतलब जो रिसाव हो रहा है, मतलब जो नीचे ग्राउंड वाटर के अंदर पानी जाता है उसके जाने की क्वांटिटी बहुत कम है। अनदर मेंबर अनवर दैट टेल्स एवरी वन दैट ही हैड सीन वे ऑफ कंजर्विंग वाटर एंड रिचार्जिंग इट इन द विलेज ऑफ महाराष्ट्र वेयर ही हैड वंस गोन टू विजिट हिज ब्रदर,
एक मेंबर जिसका नाम अनवर है वो बताता है कि मैंने महाराष्ट्र के अंदर एक वाटर कंजर्विंग का वे देखा था, और जो रिचार्ज होता है, रिचार्जिंग मतलब जो रिफिलिंग होती है, जो स्टीपिंग होती है, वो किस तरह से की जा रही थी महाराष्ट्र के अंदर। वो जब वो उसने देखा था जब वो अपने भाई को विजिट करने के लिए गया था एक बार महाराष्ट्र के अंदर। आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है महाराष्ट्र का वो कौन सा रीजन है जहाँ पर वाटर कंजर्वेशन के इस वे को अपनाया जाता है, जिसमें रिचार्ज किया जाता है नीचे का जो फीलिंग होती है वाटर की उसको। ठीक है, सभी को कमेंट बॉक्स में मैंडेटरी है बताना कि कौन सा वो प्लेस है, कौन सा वो पर्टिकुलर एरिया है महाराष्ट्र का। आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो आप सभी को पता होना चाहिए। इट वॉज कॉल्ड वाटर सेट, इसको वाटर सेट बोला जाता है, वाटर सेट डेवलपमेंट बोला जाता है। एंड ही हैड हियर दैट द गवर्नमेंट गेव मनी फॉर दिस वर्क, और उसने ये भी सुना है कि इस काम के लिए गवर्नमेंट पैसे देती है। इन हिज ब्रदर्स विलेज, उसके ब्रदर के विलेज के अंदर पीपल हैड प्लांटेड ट्रीज कंजर्विंग चेक डैम्स एंड कंस्ट्रक्टिंग चेक डैम्स एंड टैंक्स। वहाँ पर लोगों ने प्लांट किए ट्रीज को और चेक डैम्स का कंस्ट्रक्शन किया और छोटे वो जो टैंक है उनका निर्माण किया। एवरीवन थॉट दिस वाज एन इंटरेस्टिंग आइडिया एंड द ग्राम पंचायत वाज आस्किंग टू फाइंड आउट अबाउट इन इट इन डिटेल। हर कोई जानना चाहता था कि ये एक इंटरेस्टिंग आइडिया है और इसी के आधार पर हम काम करेंगे, तो इसके डिटेल्स के बारे में हम और ज़्यादा पता करेंगे। द नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा फॉर द ग्राम सभा इज द फाइनलाइजिंग द लिस्ट ऑफ द पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन जो नेक्स्ट एजेंडा था ग्राम सभा का वो क्या था, फाइनलाइज करना कि कौन से पीपल हैं जो बीपीएल के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, विच हैज टू बी अप्रूवल बाय द ग्राम सभा, जिसको अप्रूवल दिया जाना था ग्राम सभा के अंदर। एज सून एज द लिस्ट वॉज इज रीड, जिस तरह से वो लिस्ट को रीड किया गया, आउट पीपल बिगिन टू विस्पर, लोगों ने फुसफुसाहट शुरू कर दी। नटवर हैज जस्ट ब्रॉट अ कलर टीवी एंड हिज सन हैज सेंट हिम अ न्यू मोटरसाइकिल। नटवर ने अभी अभी एक नया कलर टीवी खरीदा है और उसके लड़के ने उसके लिए नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। हाउ कैन ही बी बिलो द पॉवर्टी लाइन, वो किस तरह से बिलो पॉवर्टी लाइन हो गया। सूरजमल मीटर द टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू द टू हिम, सूरजमल ने अपने उसके आगे जो पर्सन बैठा हुआ था उसके कान में फुसफुसाहट की। सरोज सेज टू साकी साकीबाई, सरोज ने साकीबाई को बोला, हाउ डिड बिरजूज नेम गोट इन ऑन द लिस्ट, कि बिरजू का नाम किस तरह से लिस्ट के अंदर आ गया। ही हैज सो मच लैंड, उसके पास तो बहुत ज़्यादा लैंड है। द लिस्ट शुड, जो लिस्ट है वो उसके अंदर हैव ओनली पुअर पीपल, सिर्फ पुअर पीपल्स का ही नाम होना चाहिए। एंड ओम प्रकाश इज अ लैंडलेस लेबरर, और ओम प्रकाश जो जिसके पास जमीन भी नहीं है, हु कैन बियरली मेक एंड्स मीट, जो बड़ी मुश्किल से अपने मीट्स को एंड करता है, येट हिज नेम इज नॉट इन द लिस्ट, उसका नाम लिस्ट के अंदर नहीं है। यू नो दैट बोथ नटवर एंड बिरजू आर फ्रेंड ऑफ अमीचंद, आप जानते हो कि दोनों के दोनों नटवर और बिरजू जो हैं वो अमीचंद के फ्रेंड हैं। हु कैन काउंटर अमीचंद पावर, और कौन है जो अमीचंद की पावर को काउंटर कर सकता है। सुखीबाई से सुखीबाई कहती है, अमीचंद वाज द अर्लियर जमींदार, अमीचंद कौन था, अर्लियर जमींदार था ऑफ द विलेज, विलेज का, एंड स्टिल हैड कंट्रोल ओवर अ लॉट ऑफ लैंड, और आज भी उसके पास बहुत ज़्यादा लैंड है। बट ही वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुट इन, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम लेने के लिए तो कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। द सरपंच, जो सरपंच था, पंचायत प्रेसिडेंट जिसे हम सरपंच बोलते हैं, नोटिस पीपल विस्परिंग एंड आस्किंग इफ एनीवन हैड एनीथिंग टू से, उन्होंने वो पूछता है कि क्या कोई कुछ कहना चाहता है। सरोज ट्राई टू प्रोवोक सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू, जो सरोज है वो प्रोवोक करती है, हालांकि उकसाती है सरोजमल को कि वो कुछ बोले नटवर और बिरजू के लिए। बट ही कीप्स क्वाइट, लेकिन वो चुप रहता है। अमीचंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा, क्योंकि अमीचंद भी ग्राम सभा के अंदर बैठा था। कीपिंग एन आई ऑन एवरीवन, और उसकी नज़र हर किसी के ऊपर थी। देन सरोज गेट अप, उसके बाद सरोज खड़ी होती है एंड आस्क सेज दैट ओम प्रकाश नेम शुड बी इन द बीपीएल लिस्ट, वो कहती है कि ओम प्रकाश का नाम भी बीपीएल लिस्ट के अंदर होना चाहिए। अदर एग्री दैट ही एंड हिज फैमिली इज
आर वेरी पुअर। बाकी सभी भी एग्री होते हैं कि वो और उसकी फैमिली बहुत पुअर है। द सरपंच आस्क हाउ हिज नेम हैड बीन मिस्ड आउट। सरपंच पूछता है कि उसका नाम किस तरह से मिस हो गया। द टीचर हु डिड द सर्वे ऑफ बीपीएल, जिस टीचर ने बीपीएल का सर्वे किया था बीपीएल फैमिलीज का, वो कहता है ओम प्रकाश हाउस वॉज लॉक्ड व्हेन ही वेंट देयर, कि जब वो वहाँ पर गया तो ओम प्रकाश का हाउस जो है वो लॉक था। ही मे हैव गोन समवेयर टू लुक फॉर वर्क, वो कहीं पर काम के लिए गया होगा। द सरपंच गिव इंस्ट्रक्शंस दैट ओम प्रकाश फैमिली इनकम बी लुक्ड एट। सरपंच ने इंस्ट्रक्शंस दी कि ओम प्रकाश की फैमिली को की इनकम को देखा जाए, एंड इफ इट इज लेस देन व्हाट हैड बीन डिसाइडेड, और अगर ये जो डिसाइड की गई है उससे कम है, बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की गई है उससे कम मिलती है, हिज नेम शुड बी इंक्लूड इन द लिस्ट, उसका नाम भी इंक्लूड करना चाहिए लिस्ट के अंदर। हम ग्राम पंचायत के बारे में देखते हैं। द ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली एंड वन ऑफ इट्स मेन टास्क इज टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर ऑल विलेजेस दैट कम अंडर इट। जो ग्राम पंचायत होती है वो रेगुलरली मीट करती है और इसका मेन टास्क जो होता है वो डेवलपमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना होता है सारे विलेजेस के अंदर जो इसके अंदर आते हैं। एज यू हैव सीन द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत हैज़ टू बी अप्रूवल बाय द ग्राम सभा, जैसा कि आप देख चुके हो ग्राम पंचायत जो है उसके सारे के सारे कामों को अप्रूवल कहाँ मिलती है, ग्राम सभा के द्वारा दी जाती है। इन सम स्टेट्स, कुछ स्टेट्स के अंदर द ग्राम सभा फ्रॉम कम्युनिटी कमेटी लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमेटी, जो ग्राम सभा है वो ऐसी फॉर्म्स को क्रिएट कर देती है जैसे कि कंस्ट्रक्शन के लिए डेवलपमेंट के लिए कमेटीज को बना देती है। दीज कमेटीज इंक्लूड सम मेंबर ऑफ ग्राम सभा एंड सम फ्रॉम द ग्राम पंचायत हु वर्क टुगेदर कैरी आउट स्पेशल टास्क, और इसके अंदर कुछ लोग ग्राम सभा के और कुछ लोग ग्राम पंचायत के होते हैं जो स्पेशल टास्क को टुगेदरली कैरी करते हैं। लेट्स सी व्हाट द हरदास ग्राम पंचायत वाज अनेबल टू डू, आओ हम देखते हैं जो हरदास ग्राम सभा थी उसकी पंचायत ने क्या किया। डू यू रिमेम्बर द ऑप्शन दैट वर सजेस्टेड टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इन द ग्राम सभा ऑफ हरदास विलेज, क्या आप लोगों को वो सजेशन याद है जो ऑप्शन दिया गया था वहाँ की वाटर शॉर्टेज को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए। व्हेन द हरदास ग्राम पंचायत हेल्ड अ मीटिंग, जब हरदास ग्राम पंचायत की मीटिंग हेल्ड की गई, दिस पॉइंट वॉज ब्रॉट अप अगेन By some of the members, कुछ members के द्वारा भी ये point उठाया गया। This meeting was attended by सरपंच, ये meeting सरपंच ने attend की थी, ward members पंच ने attend की, पंच जो होते हैं उन्होंने attend की थी, and secretary, और secretary, देखो बच्चों यहाँ पर जो पंच और सरपंच होते हैं वो elected होते हैं, लेकिन जो secretary होता है वो एक government officer होता है, ठीक है। ग्राम पंचायत members first discuss The suggestion of deepening to hand pump and clean one well. सबसे पहले ग्राम पंचायत ने क्या डिसाइड किया कि दो हैंडपम्प को डीप किया जाएगा और एक वेल को क्लीन किया जाएगा, सो दैट द विलेज वुड नॉट गो आउट विदाउट वाटर, जिससे पानी एटलीस्ट तब के लिए तो उपलब्ध हो। द सरपंच ग्राम पंच प्रेसिडेंट, जो सरपंच होता है ग्राम प्रेसिडेंट, सुजेस्ट दैट सिंस द पंचायत हैज़ रिसीव्ड सम मनी फ्रॉम फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंडपम्प, क्योंकि ग्राम पंचायत के पास कुछ पैसे आए हैं जो मेंटेनेंस के लिए लगा सकते हैं हम हैंडपम्प की। दिस कुड बी यूज, इसको यूज किया जा सकता है फॉर कंप्लीटिंग दिस वर्क, इस काम को पूरा करने के लिए इन पैसों को लगाया जा सकता है। द मेंबर एग्री एंड सेक्रेटरी रिकॉर्डेड दिस डिसीजन, मेंबर भी इस चीज़ से एग्री होते हैं और जो सेक्रेटरी होता है वो इस डिसीजन को क्या कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है। ये जो सारे डिस्कशन डिसीजन लिया गया इसको रिकॉर्ड कर लेता है। द मेंबर देन वेंट ऑन टू डिस्कस द ऑप्शन फॉर द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, उसके बाद जो मेंबर्स हैं वो इस डिस्कशन पर आते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या किया जाए। दे वर श्योर दैट द ग्राम सभा मेंबर्स शुड आस्क क्वेश्चन एट द नेक्स्ट मीटिंग, वो इस चीज़ को लेकर श्योर थे कि नेक्स्ट जो ग्राम सभा मीटिंग होगी उसके अंदर जो मेंबर्स है वो हमसे ये क्वेश्चन करेंगे। सो पंच आस्क वेदर द वाटर सेट प्रोग्राम वुड मेक अ सब्सटेंशियल डिफरेंट टू द वाटर लेवल, तो वो पूछते हैं कि क्या जो ये प्रोग्राम है वाटर सेट का, क्या ये एक सब्सिट्यूट हो सकता है वाटर की
के लेवल को इम्प्रूव करने के लिए अ लॉट ऑफ डिस्कशन फॉलोड, बहुत सारा डिस्कशन किया गया। इन द एंड इट वाज डिसाइड, लास्ट में ये डिसाइड किया गया दैट द ग्राम पंचायत वुड अप्रोच द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो ग्राम पंचायत है वो अप्रोच करेगी BDO को, BDO मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द स्कीम, और स्कीम के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके आएगी। अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो अलग अलग हम लोगों ने 3 tier में पढ़ा था कि किस तरह से जो हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम है वो 3 tier के अंदर चलता है। अब हम उन 3 levels को पढ़ेंगे जो पंचायत समिति के अंदर होते हैं। After reading about what happened in the Gram Sabha and the Gram Panchayat in Haridas village, you can understand that the Panchayati Raj system is a process through which people participate in their own government. हम जो इतना ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब हमें ये समझ में आ गया कि पंचायती राज जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर पीपल पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए। द पंचायती राज सिस्टम इज द फर्स्ट ईयर ऑफ और लेवल ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और जो पंचायती राज होता है ये फर्स्ट ईयर होता है हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा बिकॉज इट इज द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा हु इलेक्ट देम, जो ग्राम पंचायत होती है उन्हें आंसर देना पड़ता है ग्राम सभा को, क्योंकि उन्हें बनाने वाले ग्राम सभा के ही सदस्य थे जिन्होंने उनको इलेक्ट किया था। द आइडिया ऑफ द पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द पंचायत समिति सिस्टम एक्सटेंड टू अदर लेवल, ये जो आइडिया है लोगों को पार्टिसिपेट करने का, इसके 2 levels और हैं। वन ऑफ द ब्लॉक लेवल, जो एक होता है वो ब्लॉक लेवल पर होता है, तहसील के लेवल पर होता है, विच इज कॉल्ड द जनपद पंचायत, जिसको हम जनपद पंचायत बोलते हैं, और द पंचायत समिति, और जिसको पंचायत समिति भी बोला जाता है। द पंचायत समिति हैड मैनी ग्राम पंचायत अंडर इट, ग्राम जो पंचायत समिति होती है उसके अंदर बहुत सारी ग्राम पंचायत होती हैं। अबाउट द पंचायत समिति इज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद, और इसके ऊपर पंचायत समिति के ऊपर क्या होता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत, या जिसे हम जिला परिषद भी बोलते हैं। द जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंट प्लान एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और जो जिला परिषद होता है वो एक्चुअली डेवलपमेंट के जो प्लान होता है वो बनाता है पूरे डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति, पंचायत समिति की हेल्प से। इट आल्सो रेगुलेट द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल द ग्राम पंचायत, और ये जो मनी है उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करता है ग्राम पंचायत के अंदर विद इन द गाइडलाइन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ईच स्टेट इन द कंट्री हैड इट्स ओन लॉ विद रिगार्डिंग टू पंचायत, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो गाइडलाइन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग लॉ होते हैं ग्राम पंचायत के लिए। द आइडिया इज टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड राइज देयर वॉइस, इसका मेन जो आइडिया था वो ये था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड किया जा सके जिससे वो पार्टिसिपेट कर सके और अपनी वॉइस को राइज कर सके। तो मे बी बच्चों ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया है, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ओके बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैप्पी न्यू ईयर।